जैसे कि आप देख सकते हैं आज हम पहुंचे हैं मुल्लापुर दाखा एरिया में, जहां पर संदीप संधू जी इलेक्शंस में जो खड़े होने वाले हैं उसकी कैंपेनिंग जोरों शोरों से चल रही है। और हमारे साथ फिरोजपुर एरिया से एमएलए हैं कुलवीर सिंह जीरा जी, हमारे साथ हैं, तो चलिए आपको मिलवाते हैं उनसे। हेलो सर, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले बताइए, आप यहाँ पे कैंपेनिंग के लिए आए हैं, संदीप संधू जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके के वो पर्सन हैं? संदीप संधू जी एक बहुत अच्छे इंसान हैं, और उसके फादर ना तो कोई एमएलए थे ना मुख्यमंत्री थे, और वो एक आम घर का लड़का है और एक वर्कर है, और एक वर्कर को पार्टी ने जो मान सम्मान दिया है, और उसी मान सम्मान की कारण वो हम सारे उसकी लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पहुँचे। तो एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहेंगे, कांग्रेस से कहीं ना कहीं पिछले 2-2.5 सालों से जो यूथ यहाँ का नाराज चल रहा है, तो अब ऐसे कौन से खास हम मुद्दे उठाए जाएंगे, स्टेप्स उठाए जाएंगे जिनके कारण हम कह सकते हैं कि वो नाराज़गी दूर हो सके? कल 2 साल की बात नहीं है, 2-2.5 साल हो गए हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के एमएलए थे फूलका जी, और लोगों को बहुत आस थी आम आदमी के ऊपर, पर वो अपने किसी भी बात पे पूरे नहीं उतरे और उन्होंने रिजाइन दे दिया। इसके कारण 2-2.5 साल में कोई भी दाखा में काम नहीं हुआ, और अब संदीप संधू जी आ गए, लोगों का मन है इनको एमएलए बनाएंगे। और लोग रोज़ मैं देख रहा हूँ जब गाँव में जाता हूँ, बहुत लोग जो कांग्रेस के साथ चलने की बात भी कर रहे हैं और चल भी रहे हैं, और इसीलिए अब ये एमएलए बन जाएंगे और जितने अधूरे काम हैं वो सारे पूरे कर सके। तो सर, जो ऑपोजिट पार्टीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉन्ट्रोवर्सीज अभी तक लगातार चल रही हैं, कई वीडियोज़ भी वायरल हो रहे हैं मजीठिया सर की तरफ से, या जो अकाली दल है उनके बारे में आप क्या शेयर करना चाहेंगे? पहली बात तो ये है कि अकाली दल वालों को शर्म आनी चाहिए इस बात पर कि यहाँ पर जो उम्मीदवार है उनका मनप्रीत आली, और मनप्रीत आली का आप एक पोस्टर देखें जो होल्डिंग लगा है, 4 जगह इलेक्शन चल रहे हैं, उन चारों जगह पे लिखा है श्रोमणी अकाली दल बादल, आप नोट कीजिए कहीं। और यहाँ पर मनप्रीत आली ने क्या लिखा है, श्रोमणी अकाली दल बादल उड़ा ही दिया। जब बादल को आली ने उड़ा दिया है तो फिर जो मजीठिया और सखबीर हैं वो भी आली को उड़ा देंगे, क्योंकि जो मनप्रीत आली का छोटा भाई है वो मजीठिया का सांडू है नशे के मामले में, जैसे उसका नाम चिट्टे से जाना जाता है, यहाँ पर दाखा में भी उसका नाम भी चिट्टे से जाना जाता है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि लोग इन ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगाएंगे, और लोग चाहते हैं कि हलके का विकास हो, और इसलिए विकास करवाने के लिए लोग एक एक वोट जो है वो 21 तारीख को चोन निशान पंजे को डालें। आपको लगता है सर, इतनी कॉन्ट्रोवर्सीज होने के बाद सोशल मीडिया पे जो फैलता जा रहा है आजकल र्यूमर्स, तो आपको लगता है कि जो कैप्टन की जब सरकार आएगी संदीप संधू जी की, उसके बाद कहीं ना कहीं नशों पे रोक लगाई जाएगी? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा आज भी कहता हूँ कि जितनी देर तक लोग सचेत नहीं होंगे हमारी पब्लिक नहीं होगी, क्योंकि उनको पता है किस गाँव में कौन नशा बेच रहा है, उनको पता है कि कौन पुलिस वाला बुरा है, और जितनी देर वो इन लोगों को नहीं बताएंगे वो हमारा साथ नहीं देंगे। मैंने जैसे पहले भी बोला कि कुछ काली बेड़ ऐसी हैं, जितनी देर उनको निकाला नहीं जाएगा नशा बंद नहीं हो सकता। हमने नशे का लक जरूर तोड़ दिया पर नशा ख़त्म नहीं हुआ, और धीरे धीरे कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ये नशा ख़त्म करने, क्योंकि 10 साल में जितना नशा अकाली दल ने बांटा है घर घर में, हर नौजवान, यहाँ पर एक जांगपुर गाँव में जाके आऊँ, उन्होंने बोला कि 35 से 40 नौजवान जो हैं वो मनप्रीत आली के कारण वो मर गए, क्योंकि मनप्रीत आली के भाई के वो साथी थे और उन्होंने उनको चिट्टे पे लगा दिया और चिट्टे के कारण उनकी मौत हुई है। और ऐसे लोग जो हैं जिनके घर ख़त्म हो गए, जो माँ डीक रही थी कि मेरा बेटा घर आएगा, जो बहन डीक रही थी मेरा भाई घर आएगा, और आज वो मनप्रीत आली के साथ नहीं दे रहे, बल्कि उन्होंने कैप्टन संदीप संधू का साथ देने का मन बना लिया। सर, आप कैंपेनिंग के लिए आए, जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे यहाँ के लोगों को? मैं हल्का दाखा के लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूं कि आपके पास बहुत अच्छा उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने भेजा है, और ये वो उम्मीदवार है जिसको आप सभी जानते हो, एक वर्कर था, इसके कोई पिछोकड़ में आप इसका अगर चेक करें तो ये आम घर का लड़का है, और कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो पॉलिटिकल एडवाइज़र थे और उनकी मुंदरी का एक नग है, और उन्होंने वो नग निकाल के दाखा कंस्टिट्यूंसी को दे दिया। अब ये दाखा वाले अपनी मुंदरी में फिट कर लें तो ये कोई नोर का हीरा बन के संदीप संधू यहाँ से निकलेंगे। हेलो सर, टाइम्स पंजाब की तरफ से आपका बहुत बहुत वेलकम है, कैसे हैं आप? थैंक यू। हाँ जी, बहुत बढ़िया जी, तुम सुनाओ। कंपेनिंग जी हल्का दाखा दी बहुत ही वधिया चल रही है, कुछ पिंड ने जिस तरह संधू साहब ने सानू दते हुए ने टैपी है, जिस तरह
तो सदरपुरा पिंड है चौंकी मान इन्होंने सारा पिंड वधिया काम कर रहे साड़ी यूथ की टीम जटी हुई है तो असी अज की जी स्टेशन आ बहुत ही वधिया हो चुकी है क्योंकि संदीप संधू जी बहुत ही वधिया ते लीड नाल जितणगे बाकी जो मंत्री साहबान ने वह भी लगे हुए हल्कियां दे विच सारी पंजाब की जो भी लीडरशिप आ सारी संदीप सिंह संधू ने ढाउण दे विच आतुर हुई हुई है इस करके संदीप संधू जी वध तो वध लीड दे अंदाखा विचों निकल के जित प्राप्त करनगे। जो लोग आपके साथ जुड़ते जा रहे हैं उनकी तरफ से आपको कैसे लग रहा है कि कांग्रेस में आने के बाद उन जो लोगों की कहते हैं उम्मीदें होती हैं वो उन पर खरे उतरेंगे वो? हाँ जी हाँ जी लोगों ने जो भी उम्मीदा ने उसे खरे उतरेंगे। संदीप संधू जी जिस तरह उत्थे दा अपना साने वाला उ चंडीगढ़ के कांग्रेस भवन के अपना वधिया संभालते सी उत्थे जिहड़े वर्कर ने जिहड़ा काम इत्थों नहीं हुंदा सी रेक वर्कर उन्होंने नाल पहले तो टच ने क्योंकि सीएम अमरिंदर सिंह जी दे ओएसडी ने सलाहकार ने इस करके कोई भी काम सानू भी हुंदा सी जे कोई काम साढ़े इत्थे नहीं सुनवाई हुंदी सी असीं जाके संदीप संधू जी दसदे सी अते साडा कोई भी इहो जिहा काम नहीं जो साडा अज रुकिया होवे। तो हल्के दाखे जी बहुत ही वड्डी किस्मत ला लो इन्हां दी तकदीर ला लो उन्होंने बहुत ही वधिया इमानदार कैंडीडेट मिले ने जो उन्होंने बहुत ही वधिया दाखे जी नूं हार नूं बदल देणगे। तो अब जैसे चुनाव आने वाले हैं आप लोगों से कोई अपनी तरफ से कोई अपील करना चाहेंगे? हाँ जी हाँ जी चुनाव के मैं लोगों को वो तो वह अपील करता हाँ भी जो 2.5 साल आ कांग्रेस की गौरमेंट के होर पे ने इस तो अलावा जो भी प्रत्याशी खड़े ने अलग अलग उन्होंने जिताओं का कोई नहीं जो भी कांग्रेस के 2.5 साल पे ने उम्मीदवार खड़े ने उन्होंने वोटा पा के वो तो जिताओ क्योंकि जो सीटा ने जिस तरह ला लो मुकेरियाँ फगवाड़ा जलालाबाद अपने दाखा के चोणा हो रही ने तो सब जिन्या भी चार सीटा ने कांग्रेस पार्टी कैप्टन अमरिंदर सिंह की ढोली के पावे। थैंक यू सर अपना टाइम हमें देने के लिए। शिप्रा बसरीजा टाइम्स पंजाब टीवी।